तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप और आपकी जिठानी साथ में रहते हैं या नहीं रहते। तो इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो चले करते हैं इफ्तारी। आज इफ्तारी के साथ साथ मेरे जेठ और जिठानी ने दिया है एक और सरप्राइज, और ये आई है जुहान की ईडी। माशाल्लाह, थैंक यू बोल दो। खुश आमदी, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ये इतनी प्यार क्यों हुई हुई है। तो आज है मेरी दावत मेरे जिठानी की तरफ से, उन्होंने बुलाया है आज हमें इफ्तारी पर, तो इसलिए मैं हुई हूँ तैयार। बाबा भी तैयार हुआ है, पर बाबा का मूड बहुत ख़राब हुआ है इसलिए उसको भेजा है मैंने उसकी टाइमा के रूम में, वो वहाँ पर एलईडी देख रहा है। मैंने सोचा इसलिए मैं जल्दी से आराम से तैयार हो जाती हूँ, और जैन भी रेडी हैं, बाबा भी रेडी है, और हम लोग अब जा रहे हैं इफ्तारी पर। तो चलें देखते हैं इफ्तारी में आज क्या क्या बनाए। और हम लोग रेडी हो गए हैं, तो बिल्कुल ठीक नहीं है तो इफ्तारी का वक्त हो गया है, तो चले करते हैं इफ्तारी। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि मेरी जिठानी ने क्या क्या बनाया है। बहुत मज़े का था खाने में, समोसे थे और स्पैगेटीज़ थी, चाट थी, चना चाट मेरी फेवरेट, और बहुत सी चीज़ें थी, नगेट्स थे जो कि मुझे बहुत पसंद है, जैन को भी बहुत पसंद है और सुहान को भी बहुत पसंद है, और चिकन समोसे थे और पकोड़े थे और भी काफ़ी चीज़ें थी, ट्रैफल था जो कि जैन का फेवरेट है, उनके लिए स्पेशल बना था। तो मतलब आज की इफ्तारी में ये हुआ था कि मेरे जो जेठ और जिठानियाँ, उन्होंने सिर्फ मतलब दावत नहीं की, उन्होंने मेरे जैन के और जुहान की चॉइस का बहुत ख्याल रखा और हम तीनों की पसंद की चीज़ें बनाई, और सब कुछ बहुत मज़े का था। मेरी जिठानी ने बहुत अच्छा बनाया था। मैंने इफ्तारी के टाइम भी यही दुआ की थी और अभी भी मैं यही करूँगी कि अल्लाह पाक मेरे जेठ की कमाई में बहुत बरकत अता फरमाए, और वो इसी तरह हमें ढेरम ढेर दावतें देते रहे। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप और आपकी जिठानी साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग एक ही घर में रहते हैं, मैं भी और मेरी जिठानी भी, मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। पर जब एक ही घर में रहते हैं तो एक दूसरे को दावत क्यों देते हैं? मैं और मेरी जिठानी जब हम लोग साथ में ही रहते हैं तो एक दूसरे को दावत देने का मकसद, तो इसकी भी एक वजह है कि मैं और मेरी जिठानी जो हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कराची में ना तो मेरी जिठानी का कोई है ना मेरा कोई है, हमारा कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त कराची में नहीं रहता है। मेरा मायका जो है लाहौर में है और मेरी जिठानी का मायका साइवल में है, तो इस वजह से जब हम लोग देखते हैं कि कोई है ही नहीं, ना ईदों पे हम कहीं जा सकते हैं, ना रमज़ान में जा सकते हैं,
कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो हम लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं, मॉल्स वगैरह में चले जाते हैं, पर हम किसी के घर इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम किसी को जानते ही नहीं हैं, हमारे कोई दोस्त ही नहीं है। तो इसलिए मैं और मेरी जिठानी हम लोग एक दूसरे को ही दावत दे देते हैं। जब मैंने उनकी दावत की थी तो मैंने उनकी पसंद की हर चीज़ बनाई थी जो जो वो शौक से खाती हैं, फ्रूट चाट हो गई और स्पैगेटीज़ हो गई, जो जो वो शौक से खाती हैं मैंने सब कुछ वो ही बनाया था। लेकिन आज जब उन्होंने मेरी दावत की है तो ऑब्वियसली उन्होंने भी सब कुछ मेरी पसंद से बनाया है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे का ख्याल हम लोग ऐसे रखते हैं जैसे छोटी से छोटी चीज़ भी होती है, हम उस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मेरा और मेरी जिठानी के बीच में, हमारे बीच में लड़ाई नहीं होती, हो जाती है, हम लोगों को कभी कभी एक दूसरे की बात बुरी लग भी जाती है, लेकिन हम लोगों का ये है कि अगर अभी लड़ाई हुई है तो थोड़ी देर बाद हम लोग भूल भी जाते हैं, हम बात को लंबा खींचते नहीं हैं, इसलिए हमारी लड़ाई भी लंबी नहीं होती है। तो बस इसीलिए यही वजह है कि हम दोनों एक दूसरे को दावत देते हैं, स्पेशल फील करवा देते हैं। रमज़ान में वो मुझे दावत दे के मेरी इफ्तारी कर देती हैं, मैं उनको दावत दे के उनकी इफ्तारी उनकी पसंद की बना लेती हूँ। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, इससे प्यार मोहब्बत बढ़ता है और पता चलता है कि आपका भी कोई एहसास करने वाला है। तो यही वजह है कि हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, और अल्लाह करे हमारी मोहब्बत ऐसे ही कायम रहे और कभी भी किसी की नज़र ना लगे हमारी मोहब्बत को, और हम लोग ऐसे ही मिलजुल कर इत्तेफाक से रहें, आमीन। और आज इस तारीख के साथ साथ मेरे जेठ और जिठानी ने दिया है एक और सरप्राइज़, और वह सरप्राइज़ क्या है, बाबा के लिए, सुहान के लिए उन्होंने भेजी है ईदी, जो कि बहुत प्यारी डेकोरेट करके भेजी है। उसमें बास्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाबा की सारी पसंद की चीज़ें हैं, सुहान के कपड़े, सुहान की सैंडल, सुहान की सारी चीज़ें। रुके मैं आपको दिखाती हूँ, और ये आई है सुहान की ईदी, सुहान की ताई माँ की तरफ से, जिसमें है काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें सुहान के हैं कपड़े, सुहान की कैप, सुहान की वॉच, सुहान के ग्लासेस, सुहान की सैंडल, सब कुछ है। तो मैं आपको फटाफट से सारी जो उसकी ईदी में आई हैं चीज़ें वो सब कुछ खोल के दिखाती हूँ क्या क्या है। बहुत प्यारे प्यारे कपड़े हैं, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला सूट बाबा का, बल्कि एक मिनट मैं बाबा को भी लेके आती हूँ, उसके सामने आपको दिखाती हूँ और उसके भी एक्सप्रेशन आप देखिएगा ये सारी चीज़ें देखकर। A few moments later, लो भाई सबसे पहले बाबा ने पकड़ लिया है अपना फेवरेट बिस्किट, और उसमें से कई चीज़ें हैं जो बाबा ने इफ्तारी के टाइम ही खा ली थी। तो अभी दिखाते हैं बाबा का ये वाला ड्रेस, बाबा ये देखें, वाह बाबा ये देखिए बाबा, दिखाने लगा कि कैसा लग रहा है। ओके अब देखते हैं सेकंड ड्रेस बाबा का, ये देखो जरा मेरा इयर रिंग भी निकल गया। बाबा ने उठा ली है अपनी सेकंड फेवरेट चीज़, बाबा की सैंडल, जो कि बाबा को बहुत ले रही बाबा की सैंडल, ये रहा बाबा का सेकंड ड्रेस, ये है बाबा की पैंट, और ये है बाबा की शर्ट, वाओ बाबा ये कितना प्यारा लग रहा है ये वाला ड्रेस। अच्छा अब देखते हैं बाबा का थर्ड ड्रेस, ये रहा बाबा का थर्ड ड्रेस, ये देखो भाई, वाह ये है रोम्पर, जो कि बाबा को गर्मियों में इसकी बहुत ज़रूरत होती है, वाह। अच्छा अब देखते हैं फोर्थ वाला ड्रेस ये देखो भाई, वाह बाबा ये देखें वाह ये देखो भाई। अब बाबा का लास्ट ड्रेस, वाह भाई ये सुहान इतना प्यारा, और ये है सुहान की कैप, सुहान कैप लगा के दिखाएं जल्दी से, वाह। अच्छा और क्या है सुहान के ग्लासेस, चलो भाई सुहान को ग्लासेस पहनाते हैं।
और क्या क्या है भाई? बाबा की वॉच, अरे वाह, वो देखे, अरे इसमें लाइट भी चलती है बाबा। बाबा को तो भाई वॉच भी पसंद आई। और क्या क्या है? और ये मेरे लिए है मेहंदी, जो कि मैं चांद रात पे लगाऊंगी। और है बाबा का गुल्लक, इसमें बाबा के पैसे जोड़े जाएंगे, क्योंकि सब घर वाले बाबा को पैसे देते हैं, स्पेशली बाबा के दादा पहले पैसे देते हैं, जो कि बाबा के गुल्लक में जाते हैं, तो इसमें जाएंगे बाबा के और सारे पैसे। जुहान की चीज़ें, जो कि जुहान बहुत शौक से खाता है, नूडल्स हैं, कोकोमो है, और क्या क्या है बाबा, लेस भी थी उसमें, डेयरी मिल्क भी थी, और वेफर्स भी थे। मेरे लिए हैं कैचर्स, जो कि मैं लगाती हूँ, उसके कैचर्स भी अच्छे लगते हैं मुझे, जो कि बाबा घुमा देता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये कैचर्स सबसे ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच जिठानी जी, सब कुछ बहुत अच्छा है, सारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। थैंक यू बाबा, बोल दो थैंक यू, थैंक यू, पहले बोलो थैंक यू। अच्छा बोलो थैंक यू, ये मुझे दे दो। अच्छा आप ले लो, आप ले लो, अब बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोल दो, थैंक यू। इतनी सारी चीजें, वाह बाबा तो हो गया है भाई बहुत ज़्यादा खुश, बाबा को जो जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, बाबा की चीज़ बहुत अच्छी है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि मज़े मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि आने वाली है ईद। तो इसी तरह हमारे साथ रहें, दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।